महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा। केव नंबर 10, द विश्वकर्मा केव। केव नंबर 11 तीन माले का है। दिस वॉज अ हॉस्टल। देवी लक्ष्मी और उनके नीचे पूरी पाताल नगरी। हर साल 12 मार्च 4 बजे सूर्य किरण एग्जैक्टली बुद्ध देव के मुंह पर गिरता है। इजंट इट मिस्ट्री? दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा सूची सैंडीज वर्ल्ड व्लॉग्स के साथ द इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल कैलाश टेम्पल इलोरा केव्स की केव नंबर 16। अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं उनको बता दूँ, 1 अक्टूबर 2022 हम निकल पड़े थे रोड ट्रिप पर। हमें देखना था अजंता और इलोरा गुफाएं एंड द औरंगाबाद सिटी। हमारे अजंता इलोरा ट्रिप के बाकी के वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आप पहले के सारे एपिसोड्स देख लो तो हमारा ये ट्रिप आपको समझने में आसानी होगी। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलोरा केव्स की केव नंबर 1 to 15। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कैलाश टेम्पल यानी कि इलोरा केव नंबर 16 से राइट की तरफ हम लोग अब चलने लगे हैं। कैलाश टेम्पल मैं बता नहीं सकती इतना सुंदर है ये। पहले मैं बोलूँगी, आप सब भी अगर इलोरा आते हो पहले कैलाश टेम्पल ही देख लेना, उसके बाद बाकी के जो केव्स है, आई मीन 16 नंबर केव है कैलाश टेम्पल, 16 से 1 तक राइट साइड में है और 17 से 34 तक है लेफ्ट साइड में। तो अभी हम जो 16 से 1 तक केव्स है उसकी तरफ जा रहे हैं और जो 17 से 34 तक है वहाँ तक गाड़ी जाती है, आफ्टर लंच हम उधर जाएंगे। दोस्तों इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के हम ऊपर से कैलाश मंदिर देख सकते हैं जो कि हम शाम को देखेंगे। फिलहाल चलते हैं केव नंबर 15 की तरफ। इलोरा केव्स में हिंदू बुद्धिस्ट और जैन तीनों टाइप्स के केव्स हैं। 1 to 12 है बुद्धिस्ट केव्स, 13 to 29 हिंदू एंड 30 to 34 जैन केव्स। केव नंबर 15 इज अ हिंदू केव, ऑल्सो नोन एज द दशावतार केव, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन बंद था। तो चलते हैं केव नंबर 14 की तरफ। दोस्तों फॉर्चुनेटली उस दिन महाअष्टमी था और केव नंबर 14 के अंदर चलते ही हमें देखने को मिला महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा। ये 14 नंबर केव को रावण की खाई भी बोला जाता है और ये हिंदू केव में से 14, 15 एंड 16 नंबर केव राष्ट्रकूट पीरियड यानी कि 8th एंड 10th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी, एट द टाइम पीरियड ऑफ राष्ट्रकूट राज कृष्णा 1। द केव कार्विंग्स आर ब्यूटिफुल। लुक एट हियर दोस्तों, यहाँ पे विराजमान है लॉर्ड विष्णु, एक तरफ उनकी है श्री देवी जी और इस तरफ है बाघ देवी। यहाँ देखो दोस्तों विष्णु जी का वराह अवतार। यहाँ पे लक्ष्मी जी विराजमान है और उनके नीचे देखो दोस्तों पानी में पूरी पाताल नगरी खुदाई की गई है। वंडरफुल दोस्तों, रियली रियली वंडरफुल। ये था पानी ब्रेक। बहुत टायर्ड हो गए हैं हम। श्रीशु कुछ कहना है? नो शूज, यू वांट शूज? दे रहे हैं मम्मा। 13 इज इनकम्प्लीट, अंदर नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है केव नंबर 12। बाहर से ही देख लो तीनों माले का है, 3-स्टोरीड गुफा है, अंदर काफी सुंदर है, चल के देख लेते हैं। केव नंबर 12 से केव नंबर 1 तक है बुद्धिस्ट केव्स और ये केव नंबर 12 जो है इसको तीन ताल भी कहा जाता है क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो ये 3-स्टोरीड स्ट्रक्चर है यानी कि तीन माले का है। दिस वॉज अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, ऊपर था प्रेयर हॉल और नीचे के दो माले में बौद्ध भिक्षु रहते थे। अंदर चलते हैं। केव नंबर 12 के अंदर मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारे रूम्स बने हुए थे एंड लुक एट द पिलर्स दोस्तों, सारे के सारे पिलर्स एक ही टाइप के हैं एंड दे लुक लाइक द इंग्लिश लेटर टी। नाउ लेट्स गेट इनसाइड अ रूम। दोस्तों
यहाँ रूम के अंदर बेड के साथ साथ पिलो भी बनी हुई है, वो भी पत्थर के। और केव के बीचों बीच एक रूम के अंदर पद्मासन में कमल के ऊपर विराजमान है बुद्धदेव। और रूम के अंदर बौद्ध भिक्षुओं के साथ हमें देखने को मिला देवी तारा, जिनको गॉडेस ऑफ वेल्थ भी माना जाता है। वो देवी लक्ष्मी के स्वरूप हैं। और दूसरी तरफ थे देवी सुजाता। देवी सुजाता वही हैं जिन्होंने बुद्धदेव को बुद्धि प्राप्त करने से पहले खीर ऑफर की थी। याद है ना वो स्टोरी सबको? दोस्तों, अगर किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ऐसे व्हील चेयर्स भी मिलता है जिसमें बैठकर आप पूरा इलोरा केव्स घूम सकते हो। दोस्तों, हम जिस दिन इलोरा केव देखने गए थे, द डेट वॉज 3rd October, बहुत गर्मी थी दोस्तों, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी या तो मॉनसून और विंटर यू मस्ट विजिट इलोरा केव्स। नेक्स्ट, केव नंबर 11। केव नंबर 11 इज ऑलमोस्ट लाइक केव नंबर 12। बाहर से ही देख लो दोस्तों, ये भी तीनों माले का है एंड दिस वॉज ऑल्सो अ हॉस्टल, इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं केव नंबर 10 की तरफ। और ये रहा केव नंबर 10, हमारे गाइड साहब के हिसाब से दिस इज द मार्वलस केव ऑफ इलोरा एंड ही वॉज एब्सोल्यूटली राइट। दिस केव नंबर 10 इज ऑल्सो नोन एज विश्वकर्मा केव एंड इसको कारपेंटर्स केव भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर की कारीगरी है देख के लगता है जैसे उड के ऊपर, काठ के ऊपर की गई है। ऊपर देखो दोस्तों, गंधर्व सबको स्वागत कर रहे हैं। ये केव दो माले का है, अंदर चल के देखते हैं। इस केव के साथ बहुत सारी मिस्ट्री जुड़ी हुई है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले ये रूफ का फॉर्मेशन देख लो दोस्तों, ये हाफ सर्कल जैसा बना हुआ है, इट लुक्स लाइक अ एलिफेंट बैक। एंड ये फॉर्मेशन की वजह से अगर कोई साउंड इस केव के अंदर किया जाता है और भी सुंदर हो जाती है, वो तो हम बाद में सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इस केव की और एक मिस्ट्री सुन लेते हैं। ये केव नंबर 10 एक बुद्धिस्ट केव है। यहाँ पे देखो दोस्तों, हीनयान बुद्धिज्म अनुसार स्तूपा की पूजा होती है, बुद्धदेव के पीछे स्तूपा है, और महायान बुद्धिज्म के अनुसार बुद्ध मूर्ति की पूजा की जाती है जो कि बुद्धदेव सामने बैठे हुए हैं। तो महायान और हीनयान दोनों बुद्धिज्म की प्रैक्टिस एक साथ इस केव में देखी जाती है। बुद्धदेव के ऊपर देखो बोधि वृक्ष और बुद्धदेव के दोनों तरफ उनके दो फेमस फॉलोअर्स पद्मपाणी और वज्रपाणी विराजमान हैं। यहाँ बुद्ध मूर्ति में सारे महापुरुषों का गुण दिखाई गई है, उनके बाल घुंघराले हैं, कान लंबे हैं, आंखें कमल जैसी है और हाथ घुटनों तक आती है। अभी और एक मज़ेदार बात नोटिस करो दोस्तों, ये ऊपर विंडो से जो लाइट आती है ये स्तूपा के ऊपर गिरती है, और डोर से जो लाइट आती है ये बुद्ध मूर्ति के ऊपर पूरे साल गिरता रहता है। लेकिन 12th March 4 बजे ऊपर विंडो से सीधा लाइट आके बुद्ध देव के फेस पर गिरती है हर साल। Isn't it mystery दोस्तों? What do you think? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड नाउ लेट्स हियर द साउंड, किस तरह से इस गुफा के अंदर गूंजती है। अभी हम लोग केव नंबर 10 के बाहर है, बहुत सुंदर था, बहुत 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 खूबसूरत। अभी आगे बढ़ेंगे और केव नंबर 9 क्रॉस करते ही हमें दिख गया एक खूबसूरत वाटरफॉल। दोस्तों, सामने आपको जो केव दिख रहा है ये है केव नंबर 8। ये केव नंबर 1 to 12 बुद्धिस्ट केव्स है दोस्तों, जिनमें से केव नंबर 1 to 5 400 to 600 BCE
एंड केव नंबर 6-12 650-750 BCE के अंदर बनाई गई थी। अभी केव नंबर 8 के अंदर जाते हैं दोस्तों। ये केव नंबर 8 भी एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री था, यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स इसके अंदर रहते थे। रूम्स है, कुछ वॉल कार्विंग्स भी है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन केव नंबर 621। अभी राइट साइड में हम लोग जाएंगे, यहाँ से जाता है केव नंबर 621, देख के आते हैं। सैंडी और सृष्टि अभी यहीं पे रहेंगे, यहाँ से जाते हैं दोस्तों, सीधी है। और ये है केव नंबर 6, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सृष्टि और सैंडी भी आ गए, वहाँ रह नहीं पाए। सामने वाटरफॉल, खूबसूरत माहौल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये है केव नंबर 5, वाटरफॉल के बिल्कुल सामने। केव नंबर 5 एक क्लासरूम है, यहाँ पे बैठ के सब पढ़ाई करते थे। एंड सम स्कॉलर्स इसको डाइनिंग हॉल भी मानते हैं। जल्दी यहाँ से जाते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पढ़ने को बिठा देंगे हमें, है ना? अभी नहीं पढ़ने को बैठना नहीं है, पढ़ने बैठना है इधर ना। वो भी ना। शाबाश मम्मा, शाबाश। नेक्स्ट केव नंबर 4 दोस्तों, 2 माले का है। ये केव नंबर 621 आर द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट केव्स ऑफ इलोरा। केव 3, केव नंबर 3 इज आल्सो अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। अंदर रूम्स है और रूम में बुद्ध देव विराजमान हैं। नंबर 2, सैंडी अंदर जाना है? हाँ जाना है, तो चलो। केव नंबर 2 भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, ये भी रहने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों यहाँ पिलर्स के ऊपर कार्विंग्स देखो, बहुत खूबसूरत है। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ केव नंबर 2, पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पे बैल्कनी जैसे बने हुए हैं एंड ऑल्सो खूबसूरत स्कल्पचर्स। दोस्तों जब भी हम लोग ये केव्स के अंदर आ रहे हैं, बहुत आराम की फीलिंग हो रही है। मतलब बाहर बहुत गर्मी है और अंदर उतना ही आराम मिल रहा है। और जैसे लगभग हर बुद्धिस्ट केव में रहते हैं भगवान बुद्ध। खूबसूरत स्कल्पचर्स दोस्तों, खूबसूरत पिलर कार्विंग्स, और बाहर का नज़ारा देख लो, उतनी ही खूबसूरत। हेलो एवरीवन, एंड दिस इज इलोरा केव नंबर 1। ये छोटा सा ही गुफा है, ऑलमोस्ट लाइक टेस्टिंग केव्स, पर अंदर रूम्स है। ये भी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री था, इसके अंदर लोग रहते थे। दोस्तों ये था केव नंबर 1-15 इलोरा केव्स, जो हमने इस ब्लॉग में कवर किया है। और नेक्स्ट ब्लॉग में आने वाला है इलोरा केव नंबर 17-34। तो दोस्तों इलोरा केव्स 1-16 तक अभी तो कंप्लीट हो गया है। अभी आफ्टर लंच हम लोग 17-34 जो केव्स है वो देखने वाले हैं। वैसे तो इलोरा में पहले भी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ, 100 से ज़्यादा केव्स है, लेकिन 34 केव्स हम लोग देख सकते हैं, मतलब पब्लिक के लिए ओपन है। उसमें से भी बहुत सारे केव्स हैं जो कि टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, या फिर बनाने की कोशिश की गई थी, बाद में बना नहीं सके। ऐसे भी बहुत सारे केव्स हैं। जो मेन केव्स है वो तो हमने डिटेल्स में कवर किया है आप लोगों के लिए, लेकिन बाकी के जो छोटे छोटे केव्स हैं सैंडी ने सारे के सारे कवर किए हैं, और लगभग सब केव हम लोग अब तक दिखा पाएंगे। आप लोग बने रहिए सूची सैंडीज वर्ल्ड ब्लॉग्स के साथ।
आपके लिए घूम रहे हैं, आपके लिए ला रहे हैं। आप देखो, प्लान करो, अच्छा टापट घूमने निकल पड़ो। एंड ऑफकोर्स हमारा ये ब्लॉग लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, शेयर कर दो अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ। एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर लो सुची सैंडिस वर्ल्ड ब्लॉग्स। एंड और एक चैनल है हमारा सुची सैंडिस वर्ल्ड, जिसमें हम लोग फनी वीडियोज बनाते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। एंड इंस्टा पे हम लोग है सुची सैंडिस वर्ल्ड, फेसबुक पे हम लोग है सुची सैंडिस वर्ल्ड एंड सुची सैंडिस वर्ल्ड ब्लॉग्स, और हमारा पर्सनल आईडी सुची स्मिता भट्टाचार्य और संदीप दास, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एंजॉय करते रहो लाइफ हमारे साथ। बाय दोस्तों।